डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ डबल हैशिंग, और डबल हैशिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, सारे के सारे आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। इवन आपको एक टास्क ही दे रहा हूं कि कम से कम एक सब्सक्राइबर आपको आज ही के दिन लेके आना है, और अगर आप कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिख देना, ताकि एक्नॉलेजमेंट मेरे को मिल जाए कि आपने कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं डबल हैशिंग। तो ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास जो तीसरा मेथड आता है, दैट इज अ डबल हैशिंग। लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सारे के सारे पॉइंट आपको बता चुका हूं। डबल हैशिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डबल का मतलब क्या है, दो हैश फंक्शन हम यहां पे यूज कर रहे हैं। अब देखो, एक हमारे पास ये रहा और दूसरा आपके पास ये रहा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर दो हैश फंक्शन तो हम पहले भी यूज कर रहे थे, लेकिन गाइज अगर हम उसमें बात करें ना, उसमें हमारी जो आई की वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, फिक्स हो रही थी। मतलब कहने का कि जैसे हमने एक हैश फंक्शन पहले ये यूज किया, अगर हम लीनियर प्रॉब्लिंग की बात करें तो उसमें हम करते क्या थे, एच के में आई जो है वो ऐड कर देते थे। अब आई क्या था, फिक्स था, मतलब आई की वैल्यू क्या थी, आई क्या है, कोलिजन नंबर। तो एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से आप एक एक करके वैल्यू को सीक्वेंशियली डालते जा रहे थे। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम की, तो उसमें हमने क्या कर दिया, चेंज आई स्क्वायर कर दिया। बात वही है, बस हमने किया क्या, इसमें फिक्स्ड जो है वो आपकी वैल्यू चलती है। अगर कोलिजन आता है तो नेक्स्ट नंबर आपका फिक्स पोजीशन पे ही जाता जाएगा, लेकिन यहां पे हमने क्या किया, एक हैश फंक्शन एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, और उस हैश फंक्शन की बेसिस पे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कीज को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबल हैशिंग का। तो मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा प्रॉपर कैसे हम इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आप इजीली सॉल्व कर लो। तो देखो, कीज हमारे पास ये रही, आप लिख लेना, ये सारी की सारी कीज है। एच ऑफ वन जो है, मतलब मेरा जो पहला हैश फंक्शन है वो मैंने ले लिया के मॉड 11। अब के मॉड 11 का मतलब है 0 से लेके यहां पे 9 तक है, लेकिन आप याद रखना 9 नहीं, 0 से लेके 10 तक आपको बनाना है। गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट, क्योंकि आपका जो वैल्यू है, जो टेबल का साइज है वो कितना है, 11। तो यानी आपकी वैल्यू 0 से लेके 10 तक चलेंगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 से लेके 10 के बीच में ही आएगा। अब देखो, सबसे पहले आई 20, तो 20 मॉड 11, पहले भी तो आपने यही करना है जो हम नॉर्मल करते हैं, पहले हमने H1K यूज करना है। तो 20 मॉड 11, देखो आंसर क्या बनेगा, 9, रिमाइंडर क्या आएगा, 9। तो लो जी, 9 में हमने क्या डाल दिया, 20 डाल दिया, 9 में हमने क्या डाल दिया, 20। नेक्स्ट आया 34, 34 मॉड 11 क्या बनेगा, 33 पे जाएगा, एक बचेगा, तो यानी आपका 1 पे क्या चला गया, 34 जो है वो 1 पे चला गया। गेटिंग द पॉइंट। देन हमारे पास आ जाता है जी 45। अब देखो, 45 मॉड 11 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बट 1 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। अब हम आते हैं जी अपने मेन मुद्दे पे, इस पे, मतलब हमने H1K निकाल लिया, H1K 45 के लिए क्या आया, 45 मॉड 11 1 आया, तो इसको तो हमने क्या कर दिया, 1 फिक्स कर दिया, लेकिन ये जगह तो ऑलरेडी भरी हुई है, कोलिजन है। अब पहली बार हमने क्या करना है, H2K को यूज करना है। अब H2K को यूज करोगे तो 8 माइनस K की वैल्यू क्या है, 45 मॉड 8, तो 45 मॉड 8 करोगे क्या आंसर आएगा, 45 मॉड 8 आपका बनेगा यहां पे 5, ठीक है। तो 8 माइनस 5 करोगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, 3। गेटिंग द पॉइंट। तो 3 आपका H2K जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। I की वैल्यू देखो, अभी आपका कोलिजन नंबर 1 ही है, अभी पहली बार ही हुआ है, तो I की वैल्यू आपकी 1 है। तो ये देखो, 1 प्लस 3 क्या बन गया, 4, तो यानी 4th मोड 11, 4 मोड 11 क्या बन गया आपका, 4। तो लो जी, ये हमने 4th पोजीशन पे क्या डाल दिया, 45 डाल दिया। गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट, ये याद रखना यहां पे जो H2K है और ये जो वैल्यू है 11, 11 क्या है यहां पे, टेबल का साइज, हैश टेबल का साइज। तो जो हैश टेबल का साइज है और H2K है, जो ये हैश फंक्शन है, ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो आप इसको बनाने के लिए करो क्या, जो ये हैश टेबल का साइज लेते हो ना, ये पहले ही क्या ले लो, प्राइम ले लो, ताकि ये आपस में रिलेटिवली क्या बने, प्राइम बने। और जो H2K की वैल्यू है वो आपकी इसके साइज से कम आनी चाहिए। तो देखो, हमने इसीलिए 8, आप 8 भी यूज कर सकते हो, 6 भी यूज कर सकते हो, 9 भी, बट ये स्टैंडर्ड जो है वो जनरली हम यूज करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाला बाय डिफॉल्ट लिया है। देन देखो, 70 की अगर हम बात करें तो देखो, 70 मॉड 11 करोगे तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, 4, ठीक है ना, 66 पे जाएगा, हाँ 4 बचेगा, बट 4 तो मेरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। 4 अगर मेरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो उस केस में हम करेंगे क्या, हम अब H2K पे जाएंगे। अब H2K देखो, 8 माइनस
70 mod 8, 8 माइनस 70 मॉड 8, अब 70 मॉड 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा है ना, हाँ, तो 8 माइनस 6 करोगे तो आंसर क्या बनेगा आपका 2, 8 माइनस 6 क्या बनेगा 2, तो यानी आपके पास यहां पे पहली बार में वैल्यू क्या आई थी, H1K की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 4, और अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2, तो 4 प्लस 2 6, I की वैल्यू तो अभी 1 ही है, तो 6 mod 11 क्या बनेगा आपका 6, तो 6 लोकेशन भी क्या डाल दो 70 को डाल दो, ठीक है ना, ये पहली बार आप करोगे ना तो कैलकुलेशन में आपको लगेगा बट है कुछ भी नहीं, आपको हैश फंक्शन दिए होंगे, जस्ट आपको उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो जस्ट कैलकुलेट ही करनी है, ठीक है, बट थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि दो दो बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो गड़बड़ ना हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट मैन्युअली अगर हम कर रहे हैं तो लग रहा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर सिस्टम करेगा तो वो फटाफट से कर ही देगा। देन देखो हमारे पास आया 56, अब देखो 56 मॉड 11 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है ना, 1 आएगा, बट 1 मेरा ऑलरेडी क्या है ऑक्यूपाइड है, तो इस केस में होगा क्या, 1 अगर ऑक्यूपाइड है तो 1 प्लस आई की वैल्यू इनिशियली क्या है 1, तो आई की वैल्यू इनिशियली क्या है 1, H2K निकाल लो, H2K निकालोगे तो 8 माइनस 56 मॉड 8 क्या बनेगा आपका, ये वैल्यू कितनी बनेगी 0, 8 माइनस 0 0, तो यानी ये बन गया आपका 8, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया आपका 9, 9 में डाल दो, 9 भी ऑक्यूपाइड है, तो अब आपको क्या करना है, आई की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 डॉट ए, ये क्या बन गया जी 16 प्लस 1 17, 17 में मत डाल देना, 17 तो वैसे है ही नहीं यहाँ पे, बाद में मॉड 11 भी है, ये मैं लिख नहीं रहा बट आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो इसी में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 17 मॉड 11 क्या आएगा आपका आंसर 6, तो 6 में डाल दो, लो 6 भी भरी हुई है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल इसी तरीके से डिजाइन की है ताकि आपको इजीली सारे के सारे सिनेरियो कवर हो जाएं, आई की वैल्यू बढ़ गई 3 हो गई और ये आपके पास 8 है, तो देखो 24 प्लस 1 25, 25 मॉड 11 3 आएगा, 3 में डाल दो, लो जी फाइनली हमारे पास 56 के लिए लोकेशन बन गई। अब आपको यहां पे मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर लीनियर प्रॉबिंग होता, अगर ये लीनियर प्रॉबिंग होता तो देखो 56 हमारा सबसे पहले किसमें आ रहा है, 56 हमारा सबसे पहले आपका ये 1 वाले में जा रहा था, तो लीनियर प्रॉबिंग के अकॉर्डिंग हम कैसे करते, नेक्स्ट वाले में डाल देते, नेक्स्ट भरा होता तो उससे नेक्स्ट, नेक्स्ट तो उससे नेक्स्ट, एक एक करके हमने सिंपली ऐसे ही चेक करना था, ठीक है ना। अगर ये यही 56 की बात कर रहा हूं, अगर हम क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग यूज करते तो देखो आपके पास क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के केस में क्या होता, 1 में ऑलरेडी भरा हुआ है तो फिर आप क्या करते नेक्स्ट में डालते, नेक्स्ट भी अगर भरा होता फिर आप आई स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर कर देते, मतलब 4 पोजीशन आगे, फिर आप 3 का स्क्वेयर 9 पोजीशन आगे, फिर आप 5 का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर, इस तरीके से आप चलते तो वो कॉन्स्टेंटली काम करता है, लेकिन यहां पे हैश फंक्शन की वजह से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ये गारंटी देगा कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हो ना, अगर आपने m की वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है साइज, ये अगर आपने प्राइम नंबर लिया है और h2k और ये वैल्यू जो है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो एक गारंटी देता है कि आपकी कोई भी लोकेशन जो है वो खाली नहीं रहेगी, आप सारे के सारे स्लॉट्स को ऑक्यूपाई करवा सकते हो, विच इज नॉट देयर इन द क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है क्योंकि वो मैंने आपको उसमें बताया भी था, आपको सीक्वेंस बताया था कि घूम के वो उसी पे आ जाता है और फिर आपके पास जगह खाली है, अगर आपका हैश टेबल जो है वो हाफ से ज्यादा फुल है, तो कई बार इन केसेस जो है वो ऐसे केसेस बनते हैं जहां पे बार बार घूम के आप उसी नंबर पे पहुंच रहे हो, आपके पास खाली लोकेशन है लेकिन आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं रहे, लेकिन ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है बिकॉज ऑफ टू हैश फंक्शन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जितने भी हैं याद रखना, आपको बहुत बेनिफिट देंगे। देन एडवांटेज की अगर हम बात करें, नो एक्स्ट्रा स्पेस, जैसा कि हम ओपन एड्रेसिंग में करते हैं, प्राइमरी क्लस्टरिंग यहां से हट गई जो आपकी उसमें थी, लीनियर प्रॉबिंग में थी, वैसे तो क्वाड्रेटिक में भी नहीं थी लेकिन लीनियर में थी, यहां पे वो नहीं है। इवन सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी यहां पे क्या हो गई, हट गई। प्राइमरी क्लस्टरिंग क्यों हट गई, क्योंकि ग्रुप ये बना ही नहीं रहा, ये रैंडमली एक तरह से वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है, तो ना तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग बनेगी, मतलब अगर मेरे पास लेट से 2 कीज हैं, लेट्स सी अगर कोई की आई सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे 56 आई, तो 56 पहले यहाँ पे जानी चाहिए थी लेकिन वो यहाँ पे नहीं गई, तो फिर उसके बाद हमने कहाँ देखा, उसके बाद हमने 4 पे देखा, वो यहाँ भी नहीं आई, फिर उसके बाद आई थिंक हमने, मतलब अगर आप सीक्वेंस देखोगे ना तो हमने घूम के इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं कि हर लोकेशन पे, अब जैसे आपका 45 भी बाय डिफॉल्ट पहले इसी पे आया था, लेकिन उसके लिए हमारे पास 1 के बाद सीधा पोजीशन जो है वो 4 बनी थी,
इसके लिए आई थिंक पोजीशन हमारे पास बनी थी 9। हाँ, 1 के बाद हमारे पास पोजीशन बनी थी 9। मतलब कहने का कि ये अगर दो कीज सेम पोजीशन पे आ रही हैं तो उनका प्रॉब सीक्वेंस सेम नहीं होगा इन केस ऑफ डबल हैशिंग। तो इसीलिए सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी नहीं है, प्राइमरी क्लस्टरिंग भी नहीं है, बट डिसएडवांटेज वो तो है ही बाय डिफॉल्ट, दैट इज वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन सर्चिंग टाइम लगेगा, लेकिन एवरेज केस अगर आप लेते हो दैट इज कॉन्स्टेंट टाइम, और बेस्ट केस में भी कॉन्स्टेंट टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल हैशिंग। थैंक यू।